हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लेके आया हूँ आप सबके बीच सिक्स क्लास सिक्स का चैप्टर वन, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम, उसका थर्ड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा स्टोरेज डिवाइस एंड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डेटा स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, डेटा स्टोर करने का मतलब होता है डेटा को कहीं ना कहीं परमानेंटली या टेम्पोरेटली होल्ड करना, स्टोर करना। टेम्पोरेरी करने का मतलब कि कुछ समय के लिए, परमानेंट करने का मतलब कि बहुत ज़्यादा समय के लिए, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, इस तरह से बहुत ज़्यादा समय के लिए। टेम्पोरेरी हो सकता है वो 5 मिनट के लिए भी हो, 2 मिनट के लिए भी हो, 10 सेकंड के लिए भी हो। तो आखिर हमारा डेटा स्टोरेज डिवाइस होता क्या क्या है और बना कैसे होता है। तो ये वन और मोर सेट्स ऑफ चिप का बना हुआ होता है, एक प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन होता है जो कि डेटा स्टोर करता है। हम लोग लाइन बाई लाइन समझेंगे क्या 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 होता है डेटा स्टोरेज, कितने टाइप्स के डेटा स्टोरेज होते हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हमारा है, द रोम कंप्यूटर मेमोरी इज डिफाइंड एज वन और मोर सेट्स ऑफ चिप्स दैट स्टोर डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है एक मोर देन वन और वन चिप से बना हुआ एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो कि डेटा को परमानेंटली या टेम्पोरली होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारा है, कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। कंप्यूटर मेमोरी का यूज होता है किसी के लिए, इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, यूज करने के लिए और प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए। ठीक है। मेमोरी यूनिट इज़ एन ऑर्डर सिक्वेंस ऑफ स्टोरेज सेल। एक मेमोरी यूनिट जो हमारा है ऑर्डर सिक्वेंस है स्टोरेज सेल का, यानी कि स्टोर किस अकॉर्डिंग करना है उसका सारा ऑर्डर सिक्वेंस वहाँ पहले से ही डिजाइन किया होता है। ठीक है। इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग अ पीस ऑफ डेटा, यानी कि जितने भी सीक्वेंस होते हैं वो सारे डेटा के पीस को, यानी कि डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जब हमारे कंप्यूटर मेमोरी में रखा जाता है। तो ये सारा चीज़ आप डेटा मैनेजमेंट करके, एक बुक आता है जो कि आप लोग बड़े होंगे तो 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ेंगे, डेटा मैनेजमेंट, वो कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, इस सब चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। हमारा जो डेटा है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर होता है, इतना जान लीजिए आप। ठीक है। एवरी सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस, यानी कि जितने भी सेल हमारे होते हैं उसका कुछ यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि आपका एक यूनिक एड्रेस होता है ना कि आप यहाँ पे हमें मिलोगे, हो सकता है कि आपका एड्रेस हो सकता है चित्रगुप्त नगर तो आप वहाँ रहते हैं, हो सकता है आपका एड्रेस होगा पटना तो पटना में रहते हैं, हो सकता है आपका एड्रेस कहीं और का होगा तो वहाँ आपका परमानेंट एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है जो कि सबका एड्रेस नहीं होगा, वो सिर्फ आपका ही एड्रेस होगा। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में एक यूनिक एड्रेस होता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है। द एड्रेस इज यूज टू लोकेट सेल फॉर लोकेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा, यानी कि जो एड्रेस हमारा होता है वो डेटा को सेल में स्टोर करने के लिए और वहाँ से डेटा को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। टुडेज कंप्यूटर मेमोरी लाइक द सीपीयू इज बिल्ट ऑन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एम्बेडेड ऑन देयर सर्फेस। यानी कि आज का जो मेमोरी होता है, आज का हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कि सीपीयू की तरह होता है, जो कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, और ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर को एक साथ इनेबल करके रखता है, यानी कि हजारों ट्रांजिस्टर्स एक साथ एक चिप पे लगे हुए होते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। कंपेयर टू द सीपीयू चिप, मेमोरी चिप आर लेस कॉम्प्लिकेटेड, स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव। यानी कि हमारा जो मेमोरी का चिप होता है वो अगर सीपीयू के चिप से तुलना किया जाए तो लेस कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कम उलझाऊ है, यानी कि बहुत क्लियर क्लियर आपको समझ में आ जा सकता है कि ये चिप कैसे डिजाइन किया गया है। स्लोअर उससे ज़्यादा कम है, यानी कि मेमोरी का स्पीड, एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा हमें कि मेमोरी का स्पीड सीपीयू के स्पीड से कहीं भी हाई होता है। अब आप बोलेंगे कि सर सीपीयू का स्पीड स्लो होगा और मेमोरी का स्पीड अगर हाई होता है तो फिर हमारा मेमोरी डेटा को कैसे लोकेट कर सकता है, कैसे एक साथ फेच करता है। तो उसके लिए हम लोग कैश मेमोरी का यूज करते हैं। कैश मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मेन मेमोरी से डेटा लेकर उसको फिर धीरे धीरे करके सीपीयू को प्रोवाइड कराता है। इस सब चीज़ के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को कैश मेमोरी के बारे में नहीं पढ़ना है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन डिजिटल फॉर्म, हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस, हमारे पास दो टाइप का डेटा स्टोरेज डिवाइस है, कौन कौन सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो कि हमारे डेटा को या तो परमानेंटली होल्ड करता है या कैसे होल्ड करता है, या टेम्पोरली होल्ड करता है। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह का हमारे पास होता है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह का प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ
आपके बुक में भी तीनों दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में कैश के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आपके बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट हमारा जो डेटा स्टोरेज डिवाइस है उसके बारे में हम लोग, हमारा फर्स्ट जो है वो होता है रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप यहाँ देख रहे होंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टेम्पोरली, यानी कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्पोरली रैम में होल्ड किया जाता है। रैम इज़ वोलाटाइल, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है जब तक हमारा कंप्यूटर में पावर ऑन रहेगा, यानी कि सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहेगी, हमारा डेटा रैम में स्टोर रहेगा। और दूसरा क्या शर्त है? अगर आप उस प्रोग्राम को बंद नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि अभी मैंने एक पीडीएफ रीडर खोला हुआ है, ये जब तक पावर ऑन है तब तक इसका डेटा यहाँ पे होल्ड रहेगा रैम में, लेकिन हम इस प्रोग्राम को ही बंद कर देंगे तो हमारा डेटा होल्ड नहीं रहेगा, यानी कि सेव नहीं रहेगा वहाँ पे, वोलाटाइल है। जैसे ही उसको बंद करेंगे ऑटोमेटिक मेरा डेटा वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। रैम इज़ वेरी फास्ट बट इन मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्टोरेज डिवाइस, यानी कि रैम हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा अदर स्टोरेज डिवाइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगा होता है। मैं आपको एक अनुमान के तौर पर प्राइस बता दूं, अगर एक कंप्यूटर का रैम लेते हैं तो कंप्यूटर का रैम थोड़ा सा सस्ता मिलता है, लेकिन अगर आप लैपटॉप का रैम लेते हैं ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, ठीक है। तो मैं लैपटॉप का रैम जो कि 2 GB स्टोरेज के साथ आता है उसका प्राइस लगभग लगभग 1200 से 1300 रुपये पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, लेकिन वही कंप्यूटर का रैम अगर आप सॉरी हार्ड डिस्क वगैरह लेते हैं 1000 GB का लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम 3000 3500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। तो ये हमारा रैम काफ़ी महंगा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है कैश, कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी इज स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कैश मेमोरी जो हमारा है स्पेशल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि एक तरह से बोला जाए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी ही है। अब क्यों यूज होता है? डेट कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली देन अ रेगुलर रैम, यानी कि हमारा रैम से भी ज़्यादा क्विक होता है, यानी कि रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट कैसे होता है भाई? क्यों होता है फास्ट? आखिर रैम से फास्ट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों हुई? तो हमारे सीपीयू को डेटा भेजने के लिए। अगर हम अपने कैश मेमोरी को फास्ट ना बनाएं, अगर हम अपने कंप्यूटर में कैश मेमोरी ना रखें, तो हमारे सीपीयू का स्पीड कम हो जाएगा, हमारा सीपीयू एक समय में ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, हमारा सीपीयू हैंग हो सकता है, क्योंकि हमारा सीपीयू का स्पीड थोड़ा सा हाई होता है। अब हाई स्पीड में जैसे कि हम साइकिल ज़्यादा सॉरी बाइक को ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं तो वहाँ पे पेट्रोल की भी ज़रूरत ज़्यादा होगी ना, वैसे ही हमारा रैम तो ज़्यादा डेटा दे नहीं पाता है उतना। रैम और सीपीयू के स्पीड में अंतर है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कैश मेमोरी का यूज करके हम दोनों के स्पीड को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हमारा कैश मेमोरी पहले रैम से स्पीड में डेटा ले लेता है और उसको कुछ देर होल्ड करके रखता है, जैसे ही हमारा सीपीयू खाली होता है तुरंत तो उसको डेटा सप्लाई करता है, जहाँ सप्लाई किया फिर रैम कैश मेमोरी में डेटा आ जाता है हमारा। तो ये कैश मेमोरी हमारा मेनली 4 MB का होता है, मैक्सिमम हमारे कंप्यूटर में 4 MB का ही लगभग लगभग आता है, ठीक है। अब पुराने कंप्यूटर में 128 KB का आता था, 512 KB का आता था, लेकिन अभी जो नए कंप्यूटर हमारे बीच आने लगे हैं वो लगभग लगभग 4 MB का हमारे पास कैश मेमोरी होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये हमारे सीपीयू चिप और प्लेस्ड ऑन ए सेपरेट चिप, ये हमारे सीपीयू के चिप पे, यानी कि सीपीयू जहाँ होता है वहीं पे ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं द बेसिक पर्पस ऑफ कैश इज टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज बाई सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग ऑपरेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रिक्वेंटली यूज यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सीपीयू फर्स्ट लुक्स इन द कैश मेमोरी फॉर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सीपीयू सबसे पहले कहाँ देखता है इंस्ट्रक्शन के लिए? कैश मेमोरी में देखता है, यानी कि हमारे इंफॉर्मेशन कैश मेमोरी में है या नहीं। अगर कैश मेमोरी में नहीं है तो वो इंस्टेंट ऑफ अदर लार्ज मेमोरी डिवाइस फास्ट एक्सेसिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अगर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है कैश मेमोरी में नहीं है तब वो रेफर करेगा रैम के पास, फिर वो हमारा इंफॉर्मेशन है रैम से निकल के हमारा कहाँ आएगा? हमारे सिस्टम में आएगा, यानी सिस्टम यानी कि कैश मेमोरी में आएगा, ठीक है। कैश मेमोरी में आएगा और कैश मेमोरी से फिर आपका सीपीयू डेटा को लेके जाएगा उसके ऊपर प्रोसेस करने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं दी हुई है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, एक लाइन और लिखा हुआ है दिस इंक्रीज द ओवरऑल स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि कैश मेमोरी आपके ओवरऑल स्पीड को इंक्रीज कराता है। ये मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ समय इंतज़ार कीजिए, जब आप बड़े हो जाएंगे तो कैश मेमोरी के बारे में एक डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगी।
ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रोम, ठीक है, जिसको हम लोग रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। हमारा रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है? तो रीड ओनली मेमोरी का काम होता है परमानेंटली डेटा स्टोर करना, यानी कि वो डेटा कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है, वैसे डेटा जो कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है। और रोम के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा रोम जो है वो वन टाइम राइटेबल है, यानी कि उसमें सिर्फ एक बार ही डेटा लिखा जा सकता है। और ये कौन लिख सकता है? जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं वही लिख सकती हैं। जैसे कि हो सकता है मैन्युफैक्चरर इंटेल होगी, वो ही लिख सकती है। जिस कंपनी का रैम होगा वही उस पर एक बार डेटा लिखेगी, वो हमेशा वही रहता है। ठीक है, आगे की ओर पढ़ते हैं, इसमें लाइन बाय लाइन समझते हैं। रोम इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली एंड इट इज़ नॉन वोलाटाइल, यानी कि रोम जो हमारा है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, और ये हमारा नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब पावर ऑफ भी हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, डेटा हमारा सेव रहेगा। द डिसएडवांटेज ऑफ रोम इज दैट द डेटा स्टोर्ड ऑन इट कैन नॉट बी चेंज, यानी कि वन टाइम राइटेबल इसी को बोलते हैं, यानी कि एक बार अगर हम लिख दिए तो इसका डेटा कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, द एक्सेस रेट इज मच लेसर एज कंपेयर टू द डेट ऑफ रैम, यानी कि एक्सेस रेट यानी कि जो स्पीड है रैम की अपेक्षा में क्या होता है? लेसर होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, अनलाइक रैम रोम इज नॉट एक्सपेंसिव, रैम की अपेक्षा में रोम हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए अगर बोला जाए तो रोम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा रैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूजुअली ए स्मॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स बायोस इज स्टोर्ड इन रोम टू स्टार्ट द कंप्यूटर बाई लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। अब हमारा रोम का क्या काम है ये पहले जान लेते हैं। रोम का हमारा काम होता है बायो सिस्टम को इनेबल करना और हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट कराना। अगर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा तो हम काम कर पाएंगे क्या? इसलिए हमारे कंप्यूटर में रोम की आवश्यकता रैम के बराबर होती है। अगर रोम ना हो तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, नामुमकिन है कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करना। और यहाँ पे बायोस एक टर्म यूज़ किया गया है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये आपको पता होगा पहले से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं? अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि बाहर से कुछ लगाया जाना या फिर भविष्य में कोई डेटा को स्टोर करके रखना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसको एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। डिफर्स फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी इज दैट दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। अब जो हमारा ये जो प्राइमरी मेमोरी की तरह हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस में नहीं होता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, द कंप्यूटर यूज इट्स इनपुट आउटपुट चैनल टू एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। हमारा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट चैनल का यूज़ करता है इस सेकेंडरी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए या डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लोज डेटा व्हेन द डिवाइस इज स्विच ऑफ, इट इज़ नॉन वोलाटाइल। हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो नॉन वोलाटाइल है, ये मैंने पहले भी बताया आपको, इससे डेटा डिलीट स्विच ऑफ होने के बाद नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक और लाइन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर चीप सोर्स ऑफ स्टोरिंग बल्क डेटा, यानी कि एक सस्ता सोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम लोग जानेंगे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या क्या है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क है, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, देन उसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके बाद हमारे पास पेन ड्राइव होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानते हैं। हमारा फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये मैग्नेट से बना हुआ एक स्टोरेज डिवाइस होता था जो कि एक कार्ड की तरह होता था। ठीक है, स्क्वायर कार्ड की तरह होता था, प्लास्टिक का सेल उसके ऊपर बना होता था। लगभग लगभग 3.5 इंच का ये हमारा फ्लॉपी डिस्क होता था। जो 3.5 इंच का जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता था वो हमारा 1.44 MB ऑफ डेटा स्टोर करता था, यानी कि सिर्फ 1.44 GB डेटा को, सॉरी MB डेटा को स्टोर करता है। यानी कि 1.44 MB डेटा आज के समय में कितना मायने रखता होगा आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल ना के बराबर डेटा हुआ, लेकिन तो हमारा फ्लॉपी डिस्क इतना ही डेटा स्टोर कर पाता था। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आर नॉट यूज एनी मोर बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि अब हमारा फ्लॉपी डिस्क जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पहले से ही मैंने बताया कि 1.44 MB ऑफ डेटा ही स्टोर करता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है,
सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। अब इन सबको चीज सबको हम लोग देखे थे, एक तरह से हमारा एक डीवीडी टाइप का ही, एक सीडी टाइप का ही एक फॉर्मेट है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस भी बोलते हैं, ऑप्टिकल फॉर्मेट भी बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, पहला हमारा डिवाइस हो सकता है सीडी, दूसरा हो सकता है डीवीडी। सीडी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद आता है ब्लू रे डिस्क, ये भी एक तरह का सीडी ही है जो कि आज के डेट में काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। अब हमारे यहाँ सीडी जो है, सीडी में भी कुछ डेटा स्टोरेज का लिमिटेशन है। सीडी में हम लोग मैक्सिमम लगभग 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो डीवीडी है लगभग लगभग उसके 6 गुना, यानी कि 6 गुना डेटा स्टोर करता है। अब हमारा डीवीडी वो कितना डेटा स्टोर करता है इसके बारे में मैं आप जानना चाहेंगे, तो हमारा डीवीडी जो है 4.7 GB डेटा स्टोर करता है, यानी कि लगभग देखा जाए तो लगभग 5 GB डेटा हमारा डीवीडी स्टोर करता है, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क जब आया उसके बाद, उस समय के लिए हमारा जो सीडी डीवीडी था वो डेटा स्टोर करने का एक सबसे अच्छा तरीका हुआ करता था, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या परेशानी होती थी कि जब ज़्यादा बार आप इसको निकाल के फिर उसको मीडिया डालते थे अपने सीडी या सॉरी डिवाइस जो होता था आपका कंप्यूटर हो लैपटॉप हो जहाँ डालते थे, तो वो आपका सीडी या डीवीडी स्क्रैच होके ख़राब हो जाता था, जिसके कारण वहाँ से डेटा कभी कभी हट भी जाता था, रिप्लेस हो जाता था, डिलीट हो जाता था, बहुत सारे परेशानियाँ हो जाती थी, ठीक है। तो ये सब परेशानी था हमारा किसका, सीडी और डीवीडी का। अब एक और चीज़ हम लोग जानेंगे, मैंने ब्लू रे डिस्क के बारे में आपको नहीं बताया था, ये ब्लू रे डिस्क क्या होता है। ब्लू रे डिस्क भी जो हमारा है ये एक तरह का सीडी या डीवीडी का ही टाइप है, जो कि डेटा स्टोर करता है लगभग 20 GB के आसपास। क्यों स्टोर करता है 20 GB के आसपास, क्योंकि ये ब्लू रे के थ्रू चलता है और इसका मैक्सिमम कैपेसिटी ज़्यादा होता है। हमारा जो और जो डेटा है वो इंफ्रारेड रे के थ्रू रीड किया जाता है हमारे कंप्यूटर में, जहाँ पे आपका सीडी या डीवीडी लगता है वहाँ पे इंफ्रारेड रे के थ्रू वो जो आपका सीडी के ऊपर जो आप चमकीला परत देखते हैं उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करके उसको शो कराया जाता है। लेकिन ब्लू रे वाले में ब्लू रे डाल के वो डेटा रिट्रीव कराया जाता है, जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, आपके सीडी को ज़्यादा पावरफुल बनाता है और ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क क्या होता है इसके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। आप सब इस टर्म से बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे। हमारे कंप्यूटर में जो आप मेमोरी देखते हैं, बोलते हैं कि 500 GB का मेमोरी हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ है, 1000 GB का लगा हुआ है, 2000 GB का लगा हुआ है, तो ये क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर के अंदर में भी लगा सकते हैं और बाहर में भी लगा सकते हैं। हमारे दो तरह का हार्ड डिस्क हमारे मार्केट में मिलता है, एक होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक दूसरा होता है हमारा इंटरनल हार्ड डिस्क। इसके बारे में ज़रा लाइन बाई लाइन पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग विच इज़ करेंटली स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर इज एक्चुअली ऑन द हार्ड डिस्क, यानी कि अभी आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर्ड है वो हार्ड डिस्क में स्टोर है, ठीक है। रैम विच इज़ वोलाटाइल, अनलाइक रैम विच इज़ वोलाटाइल, यानी कि रैम जो कि वोलाटाइल है, हमारा हार्ड डिस्क वोलाटाइल नहीं है, ये परमानेंटली हमारे डेटा को स्टोर करता है और तब तक स्टोर करके रखता है जब तक आप चाहें तब तक। पावर ऑफ करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ है कि रैम का सॉरी हमारे हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है वो 100 GB से लेकर 500 GB तक आपके बुक में दिया गया है। 1 1 बिलियन बाइट्स मेक्स अ गीगाबाइट, आपका दिया हुआ 1 1 बिलियन बाइट्स मेक्स अ गीगाबाइट, ठीक है। 1 GB जो हमारा होता है कितना होता है, 1024 MB ऑफ डेटा होता है। ये आपके बारे में डेटा के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कितने MB बराबर 1 GB होते हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। अब तीसरा सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट है और सबसे पॉपुलर है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप सब फैमिलियर होंगे, जिसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं। ये काम करता है यूनिवर्सल सीरियल बस पे। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, एक प्लग एंड प्ले डिवाइस होता है, यानी कि आप इसको लगाइए और ये काम करना शुरू कर जाता है। ये भी आज के डेट में सबसे पॉपुलर डिवाइस है। ये भी हमारा जो है 500 GB, 512 GB तक का लगभग लगभग मार्केट में आने लगा है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर हमारा 64 GB तक का अभी हम सबके पास दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पेन ड्राइव ऑफ 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB और बहुत सारे हैं इसमें आता है। हमारा पेन ड्राइव इसलिए सूटेबल है कि ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं,
आसानी से इसको मतलब पैकेट में लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, माउस की ओर कंसंट्रेट करते हैं। हमारा माउस क्या है? माउस हमारा जो है हार्डवेयर डिवाइस है विच अलाउ यूजर टू कंट्रोल द कर्सर एंड मैनिपुलेट डेटा विदाउट कॉम्प्लिकेट कमांड। यानी कि हमारा जो माउस है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, हमारे कर्सर को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है डेटा डेटा को कहाँ से, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कमांड, यानी कि बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कमांड के थ्रू। द माउस वॉज ओरिजिनली रेफर टू एन एक्स वाई पोजिशन, यानी कि हमारा माउस जो है एक्स वाई पोजिशन में इंडिकेट करता है, एक्स वाई एक्सिस होता है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कि डिस्प्ले होता है हमारे सिस्टम में। अब हमारा कर्सर होता है क्या, कभी सीधा देखे हैं क्या? वो एक्स वाई पोजिशन में ही रहता है। टुडे द माउस इज फाउंड अटैच विद एवरी कंप्यूटर एंड इट एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस। यानी कि आज के समय में हमारे सारे सिस्टम जो आते हैं उसमें माउस अटैच ही होता है। और क्या होता है, ये हमारा आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि आपके बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब हमारे पास दो तरह का माउस बेसिकली हमारे पास होता है, नहीं तीन तरह का हमारे पास, अब तो वायरलेस भी माउस हमारे पास आ गया, तो दो नहीं तीन तरह का आता है। सबसे पहले पुराने ज़माने में हमारे पास आता था मैकेनिकल माउस, जिसको हम लोग व्हील माउस भी बोलते हैं, रोलर माउस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिकल माउस के अंदर क्या होता था, सेप इसका लगभग अभी के माउस की जैसा ही होता था, लेकिन आप इसके बीच में यहाँ पे एक बॉल टाइप का लगवाता था। ये बॉल जैसे रोटेट करता था हमारा माउस का कर्सर भी रोटेट करता था। देखिए अभी जैसे मेरा कर्सर रोटेट कर रहा है वैसे ही मैं माउस को रोटेट कर रहा हूँ, तो मेरा कर्सर भी रोटेट कर रहा है। वैसे ही पहले हमारा ये बॉल टर्न होता था तब हमारा रोटेट करता था। लेकिन उसके बाद हमारे पास आया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के अंदर में एक इंफ्रारेड रे लगा होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंफ्रारेड रे लगा हुआ है। अब ये रे किसी न किसी परत पे पड़ता है, किसी न किसी पैड पे पड़ता है, जो कि लाइट हमारा जब मूव होता है तो हमारा कर्सर मूव होता है, हमारा लाइट मूव हो रहा है तो कर्सर भी मूव हो रहा है। लेकिन जैसे ही माउस को हम किसी पैड से ऊपर हटा देंगे, यानी कि किसी सतह से ऊपर हटा देंगे, हमारा माउस मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके अंदर में लाइट सेंसर भी लगा होता है। सेंसर तभी काम करेगा जब इसके नीचे कोई परत होगा, या कोई पैड होगा, या कोई बुक होगा, या कोई टेबल होगा, या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो अगर टेबल से इसको ऊपर मैंने जैसे अभी उठा लिया है टेबल से ऊपर, ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है इंफ्रारेड और रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉर्डलेस डिवाइस माउस। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंफ्रारेड, जो इसको हम लोग वायरलेस भी बोलते हैं, कॉर्डलेस बोलते हैं, इसमें वायर नहीं लगा होता है और इंफ्रारेड पे काम करता है। इंफ्रारेड करने का मतलब क्या, आपका जो घर में एक सबसे पॉपुलर इंफ्रारेड डिवाइस है आपका टीवी का रिमोट, क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके टीवी का रिमोट बिना तार के कैसे काम करता है? कुछ ना कुछ तो होगा उसके अंदर, कैसे काम करता है? हमारा टीवी काम करता है इंफ्रारेड रे पे। ठीक है, अगर आपको देखना है इंफ्रारेड रे कैसा होता है, तो आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करेंगे, फ़ोन के कैमरा के आगे अपने माउस को माउस का आगे वाला पोर्शन जो है जहाँ पे आपको एक छोटा सा बल्ब टाइप का दिखेगा, उसको फ़ोन के कैमरा के आगे दबाएंगे, देखिएगा आप वहाँ पे रेड सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन वो नॉर्मल आंखों से आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हमारा जो कॉर्डलेस माउस है या इंफ्रारेड माउस है उसको इनेबल करने के लिए हमें उसमें बैटरी लगानी पड़ती है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल माउस होते हैं जिसमें वायर लगे होते हैं वो हमारे कंप्यूटर से ही एनर्जी लेके अपना काम करती हैं। ठीक है, हम लोग टच पैड है हमारे पास। अब टच पैड के बारे में, जो हमारा टच पैड है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये भी हमारा एक तरह का माउस की तरह ही काम करता है। ठीक है, अब अ टच पैड इज एन इनपुट डिवाइस फाउंड इन लैपटॉप एंड इट ऑल्सो विजिबल विथ सम एक्सटर्नल कीबोर्ड्स, यानी कि हमारे कुछ एक्सटर्नल कीबोर्ड्स के साथ भी आता है, और हमारे माउस का भी ये इनपुट, सॉरी हमारे लैपटॉप का एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक तरह से हमारे लैपटॉप में माउस की तरह काम करता है। इट अलाउ यू टू मूव द कर्सर विदाउट नीड एन एक्सटर्नल माउस, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल माउस के हेल्प से आप इसको मूव कर सकते हैं। हमारा टच पैड कैसा दिखता है इसके बारे में हम लोग ज़रा ध्यान देंगे। हमारा टच पैड कुछ इस तरह का दिखता है, ये टच पैड हमारे माउस, सॉरी हमारे माउस की तरह काम करता है, हमारे लैपटॉप में लगा होता है। हमारे टच पैड में भी माउस की तरह दो बटन लगे होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन। ठीक है, और बीच में कुछ सरफेस दिया जाता है जहाँ पे आप यहाँ पे अपने उंगली को रोटेट करेंगे, यहाँ पे जहाँ मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे आप अपने उंगली को रोटेट करेंगे तो आपका माउस का कर्सर इधर से उधर रोटेट होगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग जानते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी काफ़ी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है,
जिसके थ्रू आप गेम खेल सकते हैं, वीडियो गेम खेलते होंगे आप अपने, आपके घर में हो सकता है होगा भी, वीडियो गेम खेलने के लिए सिमुलेटर की तरह काम करता है फ्लाइट सिमुलेटर। ये भी हमारा दो तरह का होता है, एक इंफ्रारेड रे पे काम करता है, एक वायर के थ्रू काम करता है। ये हमारे कंप्यूटर में कंट्रोल डिवाइस के हेल्प से भी काम होता है, ये हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमारे गेमिंग को ये कंट्रोल भी करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ट्रैक पॉइंट। अब ट्रैक पॉइंट क्या होता है, ट्रैक पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज स्टाइल पॉइंटर और नॉब एज स्टॉप ऑफ माउस बटन। ठीक है, ट्रैक पॉइंट हमारा है क्या है, नोन एज स्टाइल पॉइंटर, हमारे स्टाइल पॉइंटर के रूप में जाना जाता है, और टाइप ऑफ माउस सॉल्यूशन यूज ऑन लैपटॉप, यानी कि हमारा एक तरह का माउस का सॉल्यूशन है जो कि लैपटॉप के ऊपर में पाया जाता है। ये बेसिकली हमारा जो है लैपटॉप के कीबोर्ड के पास पाया जाता है, जो कि एक तरह से बोले तो माउस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको हम लोग रोटेट करते हैं। वो जो हमारा एक बटन होता है, वो पहले के समय में आता है पेंसिल की तरह कुछ दिखाई देता था हमारा ये बटन, और ये कहाँ लोकेट होता था, जी एच एंड बी के बीच में पाया जाता था। ठीक है, जी एच और बी के बीच में पहले के डिवाइस में पाया जाता था। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्स ए यूजर टू कीप देयर हैंड्स ऑन द कीबोर्ड एंड स्टिल बी अनेबल टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट, यानी कि ये इसलिए लगाया जाता था कि हमारे अपने यूजर जो हमारे होते थे वो कीबोर्ड पे हाथ रखे हुए ही अपने कर्सर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट बटन्स आर लोकेटेड अंडर द स्पेस बार, यानी कि जो हमारा राइट और लेफ्ट जो हमारा बटन होता था, माउस का जो बटन होता था, वो स्पेस बार के नीचे में पाया जाता था। लेकिन अभी के जो हमारे ट्रैक पॉइंट सॉरी हमारे कीबोर्ड जो आते हैं, अब ये नहीं देखा जाता है हमारे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है। अब आपको पता ही होगा कीबोर्ड भी हमारा एक तरह का इनपुट डिवाइस है, लाइक माउस कीबोर्ड इज ऑल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। माउस की तरह ही हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब है मोस्ट ऑफ द की ऑन द की बोर्ड आर लेड आउट लाइक द कीज ऑन द टाइप राइटर, यानी कि लगभग लगभग सारे कीज उसी तरह से होते हैं जो कि टाइप राइटर पर पाए जाते हैं। ठीक है, बट देर आर सम स्पेशल कीज लाइक स्केप कंट्रोल एंड ऑल्ट विथ परफॉर्म्स वेरियस टास्क, हमारे पास कुछ अलग से बटन होते हैं जिसका नाम लोग स्केप कंट्रोल या अल्ट बटन होता है, इसके कुछ अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देर आर सम कीज अक्रॉस द टॉप ऑफ कीबोर्ड मार्क्ड F1 F2 F3 से लेकर F12 तक, यानी कि फंक्शन बटन हम लोग F जो बटन होता है हमारा, उसको हम लोग फंक्शन बटन होते हैं, जिसको हम लोग किसी स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन कर सकते हैं या पहले से किया भी आता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फंक्शन बटन्स एंड देयर फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम यू आर यूजिंग देम विथ, यानी कि ये फंक्शन किसी न किसी प्रोग्राम के साथ इनबिल्ट आता है, या आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। इनकी F1 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, F1 जो हमारा बटन है वो पहले से ही फिक्स है हेल्प के लिए, यानी कि जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उसमें अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होगी तो आप F1 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, मोस्ट कीबोर्ड हैव अ न्यूमेरिक की पैड, यानी कि बहुत सारे कीबोर्ड जो हमारे हैं वो न्यूमेरिक की पैड भी रखते हैं। ये जो हमारा सेक्शन है ये न्यूमेरिक कीबोर्ड का सेक्शन है। ठीक है, एंड सेट ऑफ नेगेवेशन की, यानी कुछ नेगेवेशन की भी होते हैं हमारे, ये तो हमारे नेगेवेशन की हो गए, यानी कि राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हमारा नेगेवेशन की होता है। यू कैन यूज़ द नेगेवेशन की टू इजली मूव अराउंड द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आगे और पीछे मूव करने के हम लोग नेगेवेशन की का यूज करते हैं। ठीक है, द नेगेवेशन की वोंट मूव द माउस पॉइंटर, ओनली द माउस मूव द माउस पॉइंटर। ठीक है, नेगेवेशन की जो हमारा है वो माउस पॉइंटर को मूव नहीं करता है, लेकिन आज के समय में ये फैसिलिटी भी आ गई है कि आप नेगेवेशन की के हेल्प से माउस पॉइंटर को भी मूव कर सकते हैं। आपके बुक में ये मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रिंटर हमारा आता है। प्रिंटर क्या है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगले वीडियो में प्रिंटर के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर भी यहाँ इस चैप्टर के जो भी होंगे मैं इस वीडियो के साथ अटैच करके आपको भेजूंगा, आप ये वीडियो देखेंगे साथ साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे अपने में। ठीक है, तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।